संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुण से गान अभिमान महान जिन चले हमारे ध्यान। अभी तक आत्मा किसका करता है और किसका करता नहीं है, इस बात को व्यवहार निश्चय ने ऐसे बताते आए हैं और ये कहते रहे हैं कि यह आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता और भोक्ता है। जब हम ज्ञानी और अज्ञानी का भेद करते हैं तो ज्ञानी ज्ञान भावों का कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता होता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई राग द्वेष भाव जो हैं वो ज्ञान भाव हैं कि अज्ञान भाव। तो वो ज्ञानी के राग द्वेषों को अज्ञान भाव में नहीं गिना। आपको कैसे ये क्या अन्याय है? क्योंकि अनंतानुबंधी संबंधी जो राग है मिथ्यात्व सहित, उसको ही राग द्वेष कहते हैं अध्यात्म में, और चूंकि वो ज्ञानी में है नहीं। हमको ऐसा लगता है कि जब कोई ज्ञानी के साथ में पक्षपात किया है कि वो ही राग है, उस राग का कर्ता ज्ञानी को तो कह रहे और ज्ञानी को नहीं कह रहे। और हम ऐसा देखते हैं कौन सा राग, तो स्त्री का, पुत्र का, मकान का, जायदाद का, रुपए का, पैसे का, हमको तो यही राग दिखता है ना। राग का रूप तो हमारे सामने यही है। अब राग ज्ञानी के भी यही राग है और अज्ञानी के भी यही राग है, और इसी राग का कर्ता ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी है। अब सामने वाले इसको जानते ही नहीं है कि अनंतानुबंधी का राग क्या होता है, अप्रत्याख्याना वर्ण का राग क्या होता है, प्रत्याख्याना वर्ण का राग क्या होता है। और जरा छाती पे हाथ रखकर विचार करो कि हम लोग मोक्ष भाई लोग कितना जानते हैं इस बात को। क्या आप ऐसा भेद कर सकते हैं कि आपको जो भी राग हो रहा है वो अनंतानुबंधी से है कि अप्रत्याख्याना वर्ण है कि प्रत्याख्याना वर्ण है सबका है? हैं तो चारों ही ना आपको, जिनमें तत्व की भूमिका है तो चारों ही राग है ना, संतुलन भी है। तो उसमें हम बाइपरकेशन कर सकते हैं ना? तो नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा ही सैद्धांतिक ही हो गया ना, समय सार में पढ़ के जान लिया, लेकिन हम ऐसा यहाँ भेद नहीं कर पा रहे। मैं थोड़ा सा आपका अंदाजा कराता हूँ तो आपको आएगा। जैसे स्वस्त्री संबंधी राग है वो अप्रत्याख्याना वर्ण का है, और परस्त्री संबंधी राग है वो अनंतानुबंधी का है, और कदाचित पुस्तक व पिठी कमंडल संबंधी राग हो तो वो प्रत्याख्याना संजुलन का ही राग है वो, है ना। यानी अपने में भी तो वो तो कह रहा है कि वो ज्ञानी के राग है ही नहीं, और जो राग नहीं है उसका कर्ता नहीं है। तो उसका कर्ता नहीं है ये बात गले उतारने में कितनी आसान है कि जब है ही नहीं तो उसने किया, इसका क्या मतलब? जो चीज़ है ही नहीं उसको किसने किया और किसने नहीं किया, ये सवाल कहाँ खड़ा होता है। और जब हम ये भेद नहीं कर पाते हैं, और वही ज्ञानी का राग भी स्त्री पुत्रादि संबंधी और अज्ञानी का भी स्त्री पुत्रादिक संबंधी, और दो एक ही टाइप के राग दिखते हैं, और उसी का ज्ञानी को अकर्ता कहते हैं और अज्ञानी को कर्ता कहते हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये तो पक्षपात है। ये अंतर समझ में आए ना कि हमारे को राग को देखने की क्या विधि है। हमने ऐसे ही भेद किए स्त्री का, पुत्र का, मकान का, जायदाद का, फिर देव सास गुरु का है? अभी देखिए मुनिराजों को अपने शिष्य के प्रति और गुरु के प्रति राग है ना, और स्त्री पुत्र आदि के प्रति नहीं है। तो हमारा भी, हमारा शिष्यों के प्रति और गुरु के प्रति जो राग है वो कौन सा राग है? वो जो मुनियों वाला संतुलन वाला राग है, और स्त्री पुत्र आदि वाला है वो जो राग है वो। अब आप कहेंगे सब कैसे हो सकता है, इसमें ऐसा भेद कैसे डाल सकते हैं? देखो इनकी हम जांच करके देखें तो
तो हमको स्पष्ट प्रतिभाषित हो जाएगा। जिस तरह हम स्त्री पुत्रादि के पीछे जान की बाजी लगा देते हैं, क्या ऐसे हम अपने विद्यार्थियों के पीछे लगा देते हैं? बोलो, कहने साहब कह, हम तो लगाते हैं, हमारे हमसे नहीं कह सकते आप। अरे कैसे, मैं पूछता हूँ कि अभी आपका बेटा बीमार हो जाए और उसको 10 लाख रुपए इलाज के लिए ज़रूरत पड़े, तो आप बिना किसी से पूछे जिस तरह से चुपचाप जाके करा लेंगे? यदि एक आपका विद्यार्थी हो जाए तो उसी तरह से कहेंगे? कहेंगे, हम कहते हैं, सब लोगों से कहते हैं, अपील करेंगे, मुख्यमंत्री भाइयों से कहेंगे, जब तक तुम कहोगे जोड़ोगे जब तक वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए थोड़ी रुका रहेगा। क्यों, अब अंतर समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ऐसे गुरुओं के प्रति भी, यदि अपना बाप को का ऑपरेशन कराना हो तो किससे पूछते हैं? और कोई ऐसा हमारा गुरु होगा जो उसको 10-5 लाख रुपया ऑपरेशन में खर्च होते हों और उसके पास व्यवस्था नहीं हो, तो फिर हम सब शिष्य मिल के करेंगे, कोशिश करेंगे करके। क्यों, मतलब वो बहुत मंद तीव्र का भेद नहीं, मंद तीव्र तो लिस्या का भेद है, वो क्वालिटी में ही फर्क है। अदा समझ आए ना? तो मुनिराजों को शिष्यों के प्रति, ऐसे गुरुओं के प्रति ऐसा ही होता है, बस खत्म। अब ये कहते हैं कि जैसे कि अपने हुआ तो जैसे भी भक्ष अभक्ष खा करके जैसे भी बचे वो हम बचाने के लिए उसे कोशिश करते हैं, और फिर किसी देवी देवता की पूजा करनी पड़े, क्यों, तो हम वहाँ भी जाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, सब न भक्ष अभक्ष का विचार है, न हिंदू मुसलमान का विचार है कि डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान है। क्यों, ये सारी चीज़ें नहीं है, और न देवी देवता का विचार है, न कुछ है, और ऐसा हम अपने शिष्य और गुरु के लिए ऐसा करें? वो तो क्या है, यदि ज़्यादा अगर तबीयत खराब है तो वो कहें समाधि ले लो, गुरु जी कह देंगे एक मिनट में समाधि ले लो। कि नहीं साहब, वो तो ऑपरेशन करने से ठीक हो सकते हैं, तो मुनि अवस्था में ऑपरेशन हो सकता है? कि नहीं, मुनि अवस्था में होता है, क्या करना है? ये शरीर गली देह को रखने से फायदा क्या है? ये छूटेगी तो इससे बढ़िया मिलेगी। अरे मुनियों को यदि ये देह छूटने से इससे बढ़िया नहीं मिले तो फिर मुनि धर्म काय के लिए है? लौकिक, वो तो उसको तो अलौकिक लाभ ही होता है। क्यों, और करुणानियोग हमें गारंटी देता है कि चौथे गुणस्थान के ऊपर किसी को नरक और तृंज गति का तो बंद होता ही नहीं है, तो मनुष्य देव गति का ही बंद होगा ना। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे तो अनंतानंदी राग है, इनके अप्रत्याख्यान है, इनके प्रत्याख्यान है, ऐसा नहीं है। जिसके चारों हैं वो चारों हैं, जिसके तीन हैं उसके तीनों हैं, जिसके दो हैं उसके दो ही हैं। मेरा तर्क समझ में आएगा नहीं है? अब मुनियों को स्त्री पुत्रादि का राग नहीं, अरे राग स्त्री पुत्रादि का थोड़ी होता, राग तो अपने आत्मा का होता है, आत्मा की पर्याय है ना, वो किसके प्रति है इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी जाति क्या है? जाति माने मंदता तीव्रता नहीं, जाति माने वो अनंतानुबंधी का है, क्या प्रत्याख्यान वर्ण का है, क्या प्रत्याख्यान वर्ण का है, क्या संजुलन का है। तो इसलिए वो कहते हैं यदि हम ज्ञानी अज्ञानी का भेद करेंगे तो हम कहेंगे ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। तो कहते ज्ञानी अज्ञानी तो उस राग का करता है, और अज्ञानी ज्ञान भाव का करता माने कि उसको जो जानने वाला ज्ञान है उसका करता है। अब इसमें हम और थोड़े से गहराई में जाएं, क्या कि ज्ञानी की उस राग की क्रिया का करता, तो उसमें कहते राग जो राग भाव है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जो भी हैं, तो इनको अज्ञान भाव कहना क्या ज्ञान भाव कहना है? तो इसमें एक कलश आता है और जिसका हिंदी पद्यानुवाद है, मुझे याद आ रहा है
ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। और ये तो प्रश्न हुआ ना, ये तो प्रश्न हुआ ना कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। लेकिन एक ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्यों है, और इसका उत्तर का छंद बोलो अब इसके आगे का क्या संस्कृत में ना, ज्ञान ज्ञान निर्वृत्त एवे, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से ही बने हुए हैं। माने ज्ञानी के सब भाव वो ज्ञान से बने हुए हैं, माने उसका राग भी ज्ञान से बना हुआ है। वो ज्ञानी के अकेले जो जानने वाले भाव को तो ज्ञान भाव कहें वो, और उसको अज्ञान भाव ऐसा नहीं है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। मिठाई की दुकान पर जितने भी मिठाइयाँ हैं वो सब शक्कर की ही हैं, चीनी की ही हैं। अब किसी में बेसन डाल दिया, किसी में गेहूं का आटा डाल दिया, किसी में कुछ मक्की का डाल दिया, और वो क्या क्या डालते हो मुझे मतलब नहीं, सूजी बूजी क्या बोलते हो आप, वो डाल दिया, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसका मिठाई नाम तो उस मीठे की वजह से पड़ा है। और चीज़ें आप चाहती बदल दो खान में है ना, यदि उसमें घी की मुख्यता होती तो मिठाई नहीं बोलते उसे, जो घी का स्वाद है उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता, मीठे के नाम पर उसका नाम रखा गया ना, उसको हमने मिठाई नाम दिया है ना। इसलिए ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। अब वो कहते हैं कि हमने तो शास्त्रों में देखा है कि विवाह ज्ञानी को भी इनका कर्ता कहा जाता है, यहाँ तक कि परद्रव्य का कर्ता भी कहा जाता है। तो ये जो 84 और 85वीं गाथा है अब इसकी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं अथेवम अथ व्यवहारम दर्शयति अथेनम दूषयति। ये दो छोटे छोटे वाक्य हैं कि अब व्यवहार को दिखाते हैं और अब उसको दोष देते हैं। यदि हम इन दोनों गाथाओं को जो ने इकट्ठी करी है ना और अलग अलग करें तो क्या करेंगे, क्या शांतिलाल जी सोचो, ये गाथाएं अलग अलग रखना है हमें तो क्या करेंगे। तो पहली गाथा का हेडिंग है अथ व्यवहारम दर्शयति, और दूसरी गाथा का हेडिंग है अथैनम दूषयति। क्या यानी पहली जो गाथा मैंने 84वीं गाथा है उसमें व्यवहार दिखाया है, और फिर 85वीं गाथा है उसमें व्यवहार के का निषेध किया है। जैसे लोग कहते हैं समय साल निश्चय का ग्रंथ है, और पंडित जी ने लिखा भी नहीं समय साल की स्थिति में, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सकला व्यवहार ना भी देवा। तू निश्चय का ग्रंथ है और व्यवहार के जितने भंग हैं उन सगला सभी भंगों को निषेध करने वाला है ना। तो लोग कहते हैं कि आप क्या कहते हो कि समय सार में व्यवहार का कथन नहीं है, तो ऊपर की गाथा प्रस्तुत कर देवे कोई आदमी बस खत्म। ये अपने एक एक गाथा प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो कर देवे कि व्यवहार से दुआदा पोगल कम्मम करे दिने हम, अनेक विद पुद्गल कर्म को यदि इतनी ही बात का यही गाथा कोट कर दे रहे तो फिर आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोगता है, ये बात आ गई ना इसमें। और दूसरी बात अकेली ऊपर की ही पंक्ति करे तो उसमें ये भी नहीं रहेगा व्यवहार न का कथन है, क्यों
कि साधु समय सार की पंक्ति है कि इसमें लिखा है कि अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को आत्मा करता और भोगता है, ये समय सार में लिखा है। तो भाई साहब फिर इसे निश्चय का ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो कहते व्यवहार का वर्णन तो है लेकिन व्यवहार का निषेध करने के लिए इस व्यवहार का वर्णन है। क्या निश्चय का वर्णन ग्रहण करने के लिए है और व्यवहार का वर्णन निषेध करने के लिए है। देखो विचार करो, रामायण में किसका वर्णन है? राम कहानी में किसका वर्णन है? तुमने तो पढ़ी तो होगी ना, तुम्हारे कोर्स में भी है ना, तो किसका वर्णन है? कह साहब ये क्या कोई पूछने की बात है? आखिर हम शास्त्री होने वाले हैं, पंडित हैं, और हमसे ऐसा प्रश्न पूछते हो है? तो पद्म पुराण पढ़ के देखो आप, दभिषणाचार्य का और किसी का भी, तो यदि वो 600 पेज का होगा, 650 पेज का है, तो 400 पेजों में रावण का वर्णन है पहले, और शुरू में है वो, और बाद में राम की शुरू होती है। आपने पढ़ी और परीक्षा भी दे ली होगी और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए होंगे, लेकिन जब राम पैदा हुए तब रावण की उम्र क्या थी? बता, उम्र में बड़े कौन थे? ये तो पक्की बात होगी ना, कितने कितना फर्क था? अरे राम के बाप ने दादा से भी बड़ी उम्र थी उनकी, पढ़ना पद्म पुराण में। जब दशरथ को राज दिया था ना, और किसी ने बता दिया कि दशरथ के पुत्र से और जानकी की पुत्री के निमित्त से रावण का की मृत्यु होगी, तो उन्होंने उन्हें उनके मरवाने की व्यवस्था की, तो ये राज में पुतला मतलब बना करके बैठ के वो भाग गए थे जंगलों में, और फिर उन पुतलों को मार के और वहाँ खबर कर दी गई कि वो तो मर गए और इस तरह से बचे थे। तब भी वो चक्रवर्ती सम्राट था, जब ये पैदा नहीं हुए थे तब वो चक्रवर्ती था, अर्ध चक्रवर्ती मतलब। एक दो लड़ाई बराबरी की थोड़ी भाई, एक तो 80 वर्ष के बुढ़े की और एक 25 वर्ष के जवान की लड़ाई भाई है वो। और ऐसे हर नारायण प्रतिनारायण का होता है, समझिए ना, वो बहुत मतलब पहले से होता है। जब पढ़ोगे उसमें आप इस हिसाब से पढ़ देखा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, उससे समझ में नहीं आएगा ना क्यों कैसे वो क्या। तो वो के 400 पेज रामायण में हमें तो, तुम कहते हैं रामायण, हमें तो ये रामनायण जैसी लगती है, और जैन रामायण तो पढ़ोगे तो इतनी प्रशंसा है उसकी, इतनी प्रशंसा की है उसके वैभव की, प्रताप की, धर्म रुचि की और सब बात की। और हिंदू धर्म में भी उसे ब्राह्मण माना है, रावण ब्राह्मण था और राम क्षत्रिय थे, और उनके यहाँ चार वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को ही उस सबसे ऊंचा माना जाता है। क्या उनके यहाँ भी बहुत बहुत वो ज्ञानी था, आप समझे, उसको ज्ञानी बताया गया है। और अपने यहाँ भी आता है सब भक्ति के बारे में, तो आता है ना, जैसे भक्ति करने लग गया था तो करते करते वो टूट गया, तो नस नस पे ऐसे ही वो ऐसा ऐसा करता रहा, नस कटती रही और वो तांत बजाता रहा, इतना वर्णन है। ऐसा प्रश्न किया टोडरमल जी के मुख से, मार प्रकाशक में, ये रावण के इतनी गीत क्यों गा रहे, राम के गाना चाहिए ना। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि रावण के गीत नहीं गाएं तो उसको जीतने वाला राम बड़ा कैसे होगा। ये कहेंगे बिल्कुल पिद्दी सा था, आंखों में से आंसू टपकते रहते थे, नाक बहती रहती थी, कुछ ताकत नहीं थी, रोता फिरता था, एक चांटा मारा तो गिर जाता था, ऐसे रावण को राम ने मारा तो राम का बड़कपन कहाँ होगा है? जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, अग्नि देवता जिसके यहाँ
रोटी बनाने का काम करते थे, वायु देवता जिसके यहाँ बुहारी लगाते थे, जल देवता पानी भरने का काम करते थे। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हिंदू धर्म में भी लिखा है और जैन धर्म में भी लिखा है। जैन धर्म में क्या है कि ये विद्याधरों में एक इंद्र नाम का राजा था और उसने अपना नाम इंद्र इसलिए रखा था कि उसने अपने जो नगर की सारे देश की व्यवस्था बिल्कुल स्वर्गों जैसी की थी और उसके सब नाम भी यही रखे थे, पारिषद हैं, ये लोकपाल हैं, ये अनीक हैं, ये प्रकीर्णक हैं, होते ना 10 प्रकार के हैं। वो खुद स्वधर्मेंद्र इंद्र और वो सारी उनकी व्यवस्था वो थी इंद्र। तो इंद्र नाम का राजा था, वो बहुत प्रतापी था। तो पहले उसके बहुत गीत गाए और फिर ऐसे इंद्र नाम के राजा को रावण लंका से लड़ाई करते करते और फिर हिमालय के वहाँ तक गया कि सारा हिंदुस्तान को उल्लंघन करके फिर इंद्र राजा से लड़ाई हुई तो उसने इंद्र राजा को जीत लिया। तो सारे उसके जो है ना उसके बाद ये अग्नि कुमार हैं, ये वायु कुमार हैं, उन्होंने सब ऐसे ही बनाए थे अपने जो रखे थे ना, और वो जो सफाई की व्यवस्था करते थे हैं वो उनको वायु कुमार नाम रखा था, जो पानी की व्यवस्था करते थे उनका नाम वरुण है, तो वो नाम रखा था जल के देवता। तो वो लोग आगे सब रावण के अधीन हो गए। तो रावण भी अच्छे अच्छे आदमी थे ना वो, तो रावण के उनको वही काम मिल गया। जब कोई राजा कहीं काम करता है तो अच्छे आदमियों को फिर वो ले लेता है ना, तो वही यहाँ काम करने लग गया, उसमें क्या फर्क पड़ गया, उसमें आश्चर्य कौन सी है? तो वो कहते हैं व्यवहार नए को खड़ा ही नहीं करें तो निश्चय नए की महानता कैसे आएगी। अखाड़े में जब दो पहलवान लड़ते हैं तो 10 दफे जे इसको पटके, 10 दफे वो इसको पटके, क्यों, और अंत तक ऐसी पोजीशन हो जाए कि हर आदमी का दिल कांपने लग जाए कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, कोई एक आदमी निर्णय नहीं कर सके, ऐसी कांटे की टक्कर हो। और फिर जब एक जीतता है तो उस जीत का आनंद अलग है, क्या एक वोट से जीते, क्यों, और उन्हें कि 10 लाख वोट से जीते क्या मतलब है, वो है ही नहीं सामने, था ही नहीं खड़े रहने लायक, क्यों, वो अखाड़े में गिरते ही उसने ऐसा धक्का दिया वो आड़ा हो गया तो उसे उसे, उसे उसका कुश्ती को कोई देखेगा, क्यों टीवी पे देगा उस कुश्ती को, तो वो बराबरी के दिखना चाहिए ना, मेरे कहने का मतलब। तो व्यवहार नए को भी जुनवानी में बराबर बराबरी का पहलवान है और फिर उसने से नए का निषेध किया है। तो वो चूंकि अंत में दिग्विजय राम की बताई है इसलिए उस किताब का नाम रामायण है, उसमें राम के अलावा किसी का वर्णन है ही नहीं, राम के शत्रुओं का वर्णन है ही नहीं, क्यों, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। तो समय सार को निश्चय का ग्रंथ इसलिए कहा है कि अंत में उसे उपादेय बताया है, बस खत्म, उसका उसके विरोधी का वर्णन है ही नहीं, और विरोधी कहाँ है, व्यवहार ने तो निश्चय का प्रतिपादक है ना, वो तो उसके प्रतिपादन में उसका सहयोग करता है, आया ना समझ ना, इसलिए ऊपर की गाथा में व्यवहार ने दिखाया और नीचे की गाथा में उसका निषेध किया। देखो अपन ने पढ़ी थी ना गाथा ऊपर की, अपुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, कि यदि हम ऐसा कहें कि आत्मा पुद्गल कर्म को करता और भोगता है, तो अभी कहा था कि आत्मा अपने को करता भोगता है, तो उसको तो तुमने मिटाया नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि अपने को नहीं करता भोगता, वो पर को करता भोगता है, क्यों, तो फिर अब दो काम करेगा, अपना भी करे और पर का भी करे, तो उसको जैन धर्म को वो बात स्वीकार नहीं है और कहते उसको दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहा गया है। वो आते ना बनासीदास वचन, एक द्रव्य के ना करता दरब दोए और दो क्रिया एक द्रव्य ना धरतु है, दुक्रियावादी के दो अर्थ होते हैं,
क्या होते हैं दो अर्थ, कि एक द्रव्य दो द्रव्यों का काम करे, अपना भी करे और पराया भी करे। एक तो जे और दो द्रव्य मिलकर एक काम करें, इसे भी दुक्रियावादी कहते हैं। क्या उसमें दो द्रव्य मिल के एक क्रिया को न दो द्रव्य नहीं करते और एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता। अब इसको जरा देखो समझो, उदाहरण से तो बात समझ में आएगी कि एक आदमी हमारे छुट्टी मांगने आया ऑफिस में और उसने बहुत बहुत ज़रूरी काम है, तो हमने कहा भाई अभी कैसे दे सकते छुट्टी, अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी ये है ये है वो है, सब बहुत काम बहुत है, मेहमान आ रहे, शिविर का समय हो गया, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो उसका जो साथ में काम करते हैं ना, तो कभी कभी वो सिफारिश करने आते हैं देखो कि साहब उसे दे दो, बहुत ज़रूरी काम है, उसको ऐसा है, उसको ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कैसी बात करता है, तुम दे दे, अभी शिविर आया, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, कैसे दे सकते हैं, कौन करेगा उसका काम? ऐसे अपन निकलता ना मुँह से कि साहब उसका काम भी मैं निपटा दूँगा, उसका काम मैं कर लूँगा, आप फिक्र नहीं करो, उसे छुट्टी दे दो, उसे बहुत ज़रूरी में जाना है, कि तुम उसका काम कर लेगा, क्या कर लूँगा, तेरा कौन करेगा? क्यों कि मैं अपना भी कर लूँगा और उसका भी कर लूँगा। अच्छा अच्छा, तुम दोनों काम कर सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, तो उसे परमानेंट ही छुट्टी दिए देते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि जो काम एक आदमी कर सकता है, हमने उसके लिए दो आदमी रख छोड़े हैं, ये तो डबल मुफ्त का खर्चा है। समझ यार, यदि एक ही आदमी दोनों का काम कर सकता है तो वो तो एक ही का काम हुआ ना, उसको दो आदमी रखने की क्या जरूरत है? तुमको तो पूरा 8 घंटा तुम्हारे को काम है, तो यदि तुम 4 घंटा उसका करोगे तो निश्चित रूप से 4 घंटा तुम्हारा काम छूटेगा, तुम्हारा काम चढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी उसमें। क्यों हमको बेवकूफ समझते हो कि हमने एक काम के आदमी के लिए दो दो आदमी रख छोड़े हैं? तो वो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि दूसरे द्रव्य काम करने जाएगा तो अपना काम कौन करेगा? यदि जीव पुद्गल का काम करने जाएगा तो जीव का काम कौन करेगा? कि वो अपना भी कर लेगा, वो पुद्गल का कर लेगा कि नहीं, इसको हम दुक्रियावादी कहते हैं। और जो जैन धर्म में वो दुक्रियावाद स्वीकृत नहीं है, सब अपना अपना काम करें, यही सही है। कि वैसे तो 12 मासी तो सब अपना अपना करते ही हैं, लेकिन छुट्टियों वट्टियों में तो आप जानते हैं, ये जो रेलवे है, प्लेन चलते हैं, अब इनमें जैसे अपने संडे की छुट्टी होती है तो अपने पढ़ाई तो बंद कर दी, एक दिन की छुट्टी कर दी, और अध्यापकों की छुट्टी हो गई, विद्यार्थियों की छुट्टी हो गई। अब रेल तो बंद होती नहीं ना, प्लेन भी बंद नहीं होते हैं, अस्पताल भी बंद नहीं होती है। कुछ ऐसी सेवाएं हैं कि जो 24 घंटा चलती हैं, तो वहाँ पर मानते हैं आप, जैसे अपने को 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी देते हैं, तो वहाँ इतना स्टॉप ज़्यादा रखना पड़ता है। वो रेलवे के जो बाबू होते हैं, यदि बाबू 4 बाबू की ज़रूरत है तो 5 बाबू रखे जाते हैं, और एक का काम यही है कि जो छुट्टी पे गया उसकी ड्यूटी करना, जो छुट्टी पे गया उसका काम संभालना, नहीं तो वहाँ टिकट कौन बेचेगा? कि इंजन अपना इंजन चला देगा, दूसरी गाड़ी का पंजाब मेल का इंजन चला देगा और क्यों उसका भी चला देगा, वो तो उसमें आदमी तो चाहिए ना, उस दिन गाड़ी तो जाएगी ना। तो आपको लोक में भी लग गया ना कि एक आदमी अपना और दूसरे का काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि यदि वो आदमी उस दिन नहीं होगा तो उस दिन दूसरे आदमी को होना पड़ेगा, उसी क्वालिटी का, जो उस गाड़ी को चला के ले जा सके। हमारे स्कूलों में मालूम क्या होता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया है ना मैंने, तो वहाँ क्या होता है कि भाई सब ये अध्यापक अंग्रेजी के अध्यापक गए छुट्टी पे, तो अब वो क्लास खाली पड़ी है, तो समस्या ये पढ़ाई तो होगी ही नहीं,
लेकिन वो लड़के यहाँ वहाँ घूमते हैं, ऊधम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो कहते संस्कृत के गुरु जी को बैठा दो, तो अंग्रेजी तो पढ़ाएंगे नहीं। तो वो तो जैसे गायों को बरे दिया कोई घेरता है ना, ऐसा घेर के रखे हैं, एक घंटे उसको इंगेज करके रखेंगे ना, क्या वो वास्तव में नहीं हुआ। वो तो जब यदि वो इंग्लिश का मास्टर जाता है और इंग्लिश पढ़ाना जरूरी है, तो उसी की योग्यता का दूसरा इंग्लिश का अध्यापक वो पहला वाला समझा जाए, इतना पाठ हो गया है, इतनी गाथा तक चल गई है, इसके आगे दूसरी गाथा भी यहाँ से चलेगी, और वो उसी को पढ़ाए उसी स्तर से, तब वास्तव में उसका काम किया कहलाएगा। हर एक काम की प्रकृति तो ऐसी है। क्यों दिनकर भाई आपके मरीज होते थे, तो आप नहीं हैं तो दूसरा डॉक्टर देख लेगा, तो टेम्परेरी दवाई दे देगा। तो आप मरीज हैं, 10 साल से 20 साल से आप उसे देखते हैं, आपको उसका असर नेचर मालूम है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, क्या हो रही है, तो वास्तव में इलाज तो आप ही कर सकते हैं ना। यदि आप दूसरे डॉक्टर को कुछ उसका थोड़ा केस स्टडी समझा के जाएं, तो वो भी टेम्परेरी रूप में कुछ तो देख सकता है, यदि कुछ बता के नहीं जाए तो वो कहेगा मैं कुछ नहीं भैया, तुम तो अभी तक गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं, तुम जो कह रहे डॉक्टर साहब वो दवाई दे दो, कैसा मैं बंद कर दूँ वो दवाई, कि मैं बंद नहीं कर सकता, हाथ खड़े कर देते कि नहीं कर देते। तो वास्तव में एक देव दूसरे देव का काम कैसे कर सकता है। तो पुद्गल जीव का काम कर देगा, तो जीव का काम तो जानना देखना है, तो पुद्गल जानेगा देखेगा क्यों, क्या करेगा, कैसे कर देगा। और वो कहते हैं कि जो काम करता है उसको उस रूप परिणमित होना पड़ता है, जैसे मिट्टी ने घड़ा बनाया तो मिट्टी को घड़ा बनना पड़ा। तो यदि जीव अजीब का काम करेगा तो उसे अजीब बनना पड़ेगा, अजीब अचम गच्छेज ऐसा कहता है, तुम अजीब पने को प्राप्त हो जाएगा। और गुरुदेव इसके लिए कैसे समझाते थे मालूम, कि भैंस का स्वामी बनेगा तो पाड़ा बनना पड़ेगा क्योंकि भैंस का स्वामी तो पाड़ा होता है, आदमी नहीं रह सकता है। ये लोग गालियां देते हैं ना पशुओं को, माँ की बहन की चाय जैसी, तो वो उनके लिए व्यंग किया है। एक चतुरसेन शास्त्री हुए हैं बहुत बड़े, एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए हैं बहुत बड़े कहानीकार, तो उन्होंने एक कहानी लिखी है, उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर के गलियों का वर्णन किया, वहाँ से शुरू होती है, तो अमृतसर के जो रोड हैं उनका क्या हालत थी, तो उस रोड की हालत वर्णन करते हुए उसने लगा तांगे चलते थे, तो तांगे वाले तांगे को घोड़े को मारते जाते, और फिर रास्ते में होते थे आप हॉर्न बजाते हो ना कोई यात्री हो, तो फिर वो चिल्लाते जाते थे, और बहुत अच्छी भाषा लिखी है, बच जा पुत्ता प्यारी, ये ऐसे शब्द बड़े बड़े कि नहीं बड़े हैं, और घोड़े को हाथ, घोड़े की चाल कमजोर हो गए तो उसको भी कुछ ना कुछ गालियाँ बकते जाते थे। तो उस कवि ने, उस लेखक ने अत्यंत सभ्य भाषा में लिखा, क्योंकि वो गाली उसमें लिखना नहीं चाहता था, वो जो वो बोलते हैं, तो उसने क्या लिखा कि घोड़े की नानी से निकट का संबंध स्थापित करते हुए मानो से माँ बहन की गाली देता था ना वो तो उसको ये भाषा लिखी। देखो ये तो स्टडी करने का तरीका है, हमने पढ़ी होगी कम से कम 60 साल पहले वो कहानी तो उसका ये वाक्य कि घोड़े की नानी से निकट का संबंध स्थापित करते हुए बच जा पुत्ता प्यारिया, पुत्ता प्यारिया, यदि तू अपने पुत्रों को प्यारी है तो मेरे तांगे के नीचे क्यों आती है, बच जा पुत्ता प्यारिये, ख्याल में है ना। तो उसने आदमी ने वो अमृतसर की गलियों में वो तांगे वालों को ऐसा बोलता हुआ सुना होगा, क्यों
और उसके चित्त को उसने इतना अधिक प्रभावित किया होगा कि उसको जब लिखने का भाव आया तो उसने उस चीज को अपनी उस कहानी में लिखा। और मालूम हिंदी साहित्य की आज तक वो सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। उस लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी हैं, जयपुर का है, चंद्रधर गुलेरी शर्मा, 3 कहानियां लिखी हैं। एक सुखी जीवन है, काफी लंबी 70-80 पेज की, लेकिन वो इतनी प्रभावित नहीं कर पाई जितनी प्रभावित ये उसने कहा था ने किया। और ये सुखी जीवन में मालूम क्या है कि एक लेखक ने सुखी जीवन नामक किताब लिखी कि आप कैसे सुखी रह सकते हो, आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है ना, तो कैसे बना सकते हो। तो उसने तरकीबें बताई थी सुखी जीवन की किताब में, सुखी जीवन बिताने की तरकीबें बताई थी, और उसका जीवन इतना दुखी था सुखी जीवन किताब के लेखक के दुखी जीवन का वर्णन उसमें किया है उसने क्या उसने कहा था, मैं भी ऐसा ही है, उसने कहा था कि कहानी का नाम है, ये नाम आप ऐसा सुन सकते हैं। अब मैं लंबा हुआ नहीं, उसने तो कई पेजों में लिखी उस बात को, और आप 3-3 दफे हम लोगों ने पढ़ी उस जमाने में, तो हमारी समझ में नहीं आई कि कहानी का नाम उसने कहा था, कहाँ से लिखा, क्यों लिखा। लेकिन अभी मैं अब बताता हूँ मैं कि वो एक लड़का और लड़की दोनों दही की दुकान पर दही लेने जाया करते थे, और वहाँ एक दूसरे को ऐसे थोड़े वो आकर्षित हो गए थे, प्रेम हो गया था थोड़ा सा उन्हें, है ना। वो पूछते थे कि तेरी शादी होगी कि तेरी होगी कि नहीं होगी, ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बातें थोड़ी बहुत होती थी। फिर बाद में उस लड़की की शादी बहुत बड़े ऑफिसर से हो गई, उससे नहीं हुई, और वो आदमी भी मिलिट्री में चला गया, वो मिलिट्री का ऑफिसर था जिससे शादी हुई, और वो आदमी भी मिलिट्री में गया, और उसी उसके साहब के नीचे वो उसके उसकी ड्यूटी थी क्या। तो वो जब वहाँ पर साहब के यहाँ उसकी ड्यूटी पे गया, वो कहीं साहब से मिलने, तो वहाँ वो लड़की उसे मिली जो उसका उस वक्त समझे ना दही की दुकान पे दोस्ती होती थी, इतनी सी बात है। तो वो लड़की और उनमें मिले, थोड़े बहुत प्रेम किए थे, तुम्हारी शादी इनके साथ हो गई कि हाँ साहब, मतलब अब वो साहब की मैसेज हो गई उसकी। तो फिर युद्ध के मैदान में कोई जापान वापान से झगड़ा चल रहा था ना हिटलर का, उस वक्त की कहानी है। तो युद्ध के मैदान में उस सिपाही को भेजा गया और साथ में वो साहब भी गए, उन्हीं की टुकड़ी में वो कैप्टन थे और वो सिपाही था। तो जब वो तिलक करके पत्नी भेज रही थी और वो भी वहाँ था, तो उसकी पत्नी की आँख में आंसू थे, तो उसने कहा कि तुम साथ में जा रहे हो ना, कि हाँ, तो साहब का ध्यान रखना क्या। उसकी पत्नी ने उस जोधा सिंह से कहा कि तुम थोड़ा साहब का ध्यान रखना, बस खत्म क्या। तो इतनी सी बात थी। अब वहाँ युद्ध के मैदान में अपनी सेना भागने लगी, लड़ाई वड़ाई हो गई, ये हो गई वो हो गई, और एक ऐसा प्रसंग आया कि वो साहब की जान जोखिम में थी, तो इसने अपनी जान की बाजी लगा करके उसकी सुरक्षा की। तो साहब ने उसके मरते मरते उससे पूछा क्या कि जोधा सिंह तबीयत ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपने जान जोखिम में क्यों डाली, कि साहब आपकी जान जोखिम में थी क्या, तो तूने क्यों डाली। तो मरते मरते उसने क्या कहा, उसने कहा था तुम्हारी वजह से नहीं डाली मैंने, मैंने तुम्हारी पत्नी जो मेरी प्रेमिका है उसने कहा था कि साहब का ख्याल रखना। तो उसने
अपनी जान की बाजी लगाकर इस कीमत पर भी साहब का ख्याल रखा। अब ये कहानी थी, अब वो उसमें आता बस मरते मरते वो उसने कहा था, तो समझ नहीं आता एक क्या, तो पूरी कहानी में पता ही नहीं लगता यदि उसने कहा था क्या है। और तो सर्वांग विवेचन है कहानी के तत्वों पे, कैसा तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात कही सूक्ष्म निरीक्षण की, तो वो इसलिए कि कितनी सूक्ष्म निरीक्षण थी कि एक टांगे वाले का वर्णन किया तो उसमें जान डाल दी, एक सैनिक का वर्णन किया तो उसमें जान डाल दी, एक हलवाई की दुकान का वर्णन किया तो उसमें जान डाल दी। जो चीज लिखी वो ऐसी जिंदा हो गई, ऐसी ऐसी लगी, आप समझे ना, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि ही करके लिख दी, चाहे जो दो शब्द चाहे कुछ भी बोल दिया, जहां उसने कलम चलाई वहां उसे जीवंत हो गई, वो चीज खड़ी हो गई। तो कहते असलियत में कोई आदमी अपना काम एक्यूरेसी से करना चाहे तो वो दूसरे का काम कर ही नहीं सकता। क्यों? यदि कर सकता है तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकता। मैं एक बात कहता हूं, मेरे से बहुत से लोग आते हैं और ये कहते हैं कि साहब अपने प्रवचन के बाद में थोड़ी आप ये बात कह देना, ये सूचना कह देना, ये कह देना, ये कह देना, ऐसे लोग आ करके बताते हैं। तो मैं तुम कह देना ना, ये स्पीकर बगल में रखा है ना, आप बोल देना। अरे साहब वो आप बोलते हो ना तो उसका फर्क पड़ता है, हमारे बोलने से कौन सुनता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम मुझे याद दिलाना जब प्रवचन खत्म हो जाए, क्या इतनी सी बात याद दिला, पर्चे पर लिख के दे देता हूँ। नहीं पर्चे तो लिख के ठीक किया लेकिन याद दिलाना। अब उसकी समझ में ये नहीं आता है कि ये इतना बड़ा पंडित इतनी गाथाएं याद हैं इसे, और अब भी हाल की बात और एक घंटे बाद सूचना देनी है और पर्चा भी लिख के रख दिया है और फिर भी कहता है याद दिलाना। बोलो रमेश, कठिन काम है कि सरल, बोलो, पहले प्रतिनिधि गद्दी पे बैठो तो मालूम पड़ेगा। अब मैं एक घंटे उसे याद रखूं तो मैं प्रचन कैसे करूंगा, आप समझे ना, मेरा चित्त बटेगा ना। क्योंकि जनता तो ऐसी है कि इसमें नीचे स्प्रिंग लगी होती है, हम यदि सांस लेने के लिए एक सेकंड को रुके हैं तो उठ के खड़ी हो जाती है जा वाणी के ज्ञान से। हम जरा प्रवचन खत्म करके ऐसे सुस्ताएंगे तब तक तो जो आगे ऊपर जाएगी, सूचना नहीं दे सकते हम। क्यों? मैंने कहा मैं माथे पे बोझा लेके नहीं चलता, तुझको सूचना दिलानी है तो तुझे जब मेरा प्रवचन खत्म हो लोग ना उठ पाए उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कहना पड़ेगा तो मैं तेरी सूचना अवश्य दे दूंगा, समझे ना। तो उसने कहा ठीक है साहब मैं याद दिला दूंगा। फिर उसने मुझे याद दिलाई और मैंने उसकी सूचना दी। फिर मैंने कहा भैया क्या आया था आज प्रवचन में? कि मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों? कि मैं यही याद रखा कि इनका खत्म हो मेरा। अब समझ में आई ना, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आपके प्रवचन में रंग क्यों नहीं आता है? आप छह काम एक साथ में लेके बैठते हो। मैं कुछ नहीं लेके बैठता हूँ, ये कहते आगे रूमाल खोक में जाना कि आ जाए तो समझना कि अपना है, नहीं इतने काल तक अपना था, एक साल मत खो देना, टोपी संभाल के रखना, ये कुछ नहीं मेरा काम नहीं है। ये रहेगा तो रहेगा, जाएगा तो जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो प्रवचन करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। वो जो सब कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। अपने चित्त को पूरी तरह उसको एकाग्र होना चाहिए ना, अपने विषय पर केंद्रित होना चाहिए ना, कि क्या बात कही जा रही, क्यों समझाई जा रही है। तो यहाँ ये यह कह रहे हैं कि दुख क्रियावादी का अर्थ कर रहा हूँ मैं कि दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते, एक एक द्रव्य दो काम नहीं कर सकता। वो अपना करेगा, दूसरा दूसरे का करेगा। क्यों करे?
कोई किसी का काम क्यों करे। ठाकुरों की बारात में नाई मसाल लेके चलता था, नाइयों की बारात में कौन मसाल ले। हम सब अहिमिंद हैं, प्रत्येक आत्मा पूर्ण समर्थ है, तो हम किसी का काम क्यों करें और कोई हमारा काम क्यों करे। देखो, जब सुखी जीवन आएगा, समृद्धि आएगी, फिर नौकर नहीं मिलेंगे। अरबों रुपए तुम्हारे पास होंगे, समझे ना, लेकिन अपना बिस्तर खुद लगाना पड़ेगा, अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा। समझ में आई ना आपकी मैं, क्योंकि जब देश समृद्ध होगा तो उसका मतलब तुम्हारी समृद्धि माने देश नहीं है, हर बच्चे बच्चे की समृद्धि का नाम देश की समृद्धि है। और जब हर बच्चा बच्चा समृद्ध होगा तो नौकरी कौन करेगा, हमें पानी भर के देगा कौन। थोड़े बहुत नौकर मिलते हैं जब तक, वो जहां वो समझ लो उतना, वहां पर उतनी आजादी नहीं है, उतनी समृद्धि नहीं है, उतनी समृद्धि की कमी है। अरबपति हो जाओगे ना तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, नौकर करेगा, और नौकर नहीं मिलेंगे तो खुद करनी पड़ेगी, बेटा नहीं करेगा। मैं एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे बम्बई में कई ऐसे मित्र हैं कि उनके एक एक बड़े बड़े फ्लैट हैं, एक एक में छः छः बेडरूम हैं, और बस एक मियाँ बीबी रहते हैं, बस खत्म, बच्चे विदेश विदेश चले गए हैं, और ऐसे चार भाई हैं, और उनका एक 80-90 वर्ष का बाप है, एक माँ है, उसके लिए उतना ही बड़ा एक फ्लैट अलग है। कोई अपने फ्लैट में रखने तैयार नहीं है उसे, वो उसी फ्लैट में मरते। यदि इतने समृद्ध नहीं होते तो फ्लैट खरीद के नहीं दे पाते, कम से कम अपने फ्लैट में तो रख लेते, क्या है कि नहीं है, बोलिए। नाम मेरे जबान पर रखा है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ये हालत है, वो क्यों, बेटा करोड़पति का बेटा है, वो लेटरन साफ करेगा है? वो तुम्हें एक गिलास पानी उठा के देगा, वो खुद ही पानी उठा के नहीं पीता है, वो क्या करेगा कि साहब इनको समय पे दबा देना, सुबह दोपहर शाम को आपकी ड्यूटी है। हाँ, मैं एक नर्स रख दूंगा 24 घंटे, वो नर्स अस्पताल में है ना, उसी को भेज देना कि हम क्या करेंगे, दूसरी रख लेना, ये वो जानती है ना पिताजी का सब, कब दवाई कब देना, इसी काम के लिए नर्स रख देगा, बस खत्म। समझ लो, बनना है ज्यादा बड़ा आदमी है? साहू अशोक कुमार जी गए थे इलाज कराने क्लीवलैंड हार्ट का ऑपरेशन कराने, और वहीं मर गए, उनकी पत्नी साथ नहीं गई थी, बेटा गया था कि नहीं गया था पता नहीं है? अब चूंकि हम साहू जी नहीं है ना, इसलिए हमारी पत्नी साथ में जाती है, जब जाते अस्पताल, जब अस्पताल में जाए तो वो साथ में रहती है, सब जगह साथ में रहती है, हैं? यदि हम साहू जी जैसे हो जाएंगे तो फिर उस दिन हमारा भी यही संकट खड़ा हो जाएगा, हैं? इसलिए कहते कोई द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसका काम 24 घंटा प्राणमन करना है। तो वो कह रहे हैं दो बातें कि वो जो द्रव्यत्व गुण है तो हमारे प्राणमन को तुम करोगे तो द्रव्यत्व गुण क्या करेगा, तो उसको काम बताओ, वो बेकार हो जाएगा, ख्याल में आए ना आपकी में। और तुम्हारा हम काम करें तुम्हारा द्रव्यत्व गुण क्या करेगा, और हमारा द्रव्यत्व गुण तुम्हारा काम करेगा तो हमारा काम कौन करेगा। वो बहुत बड़ी अव्यवस्था है, उसको जैन दर्शन में दुक्रियावाद कहते हैं। देखा व्यवहार नय का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। यदि आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो वह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, जो कि जिनेन्द्र देव को सहमत नहीं है, क्योंकि जो जिसका कर्ता होता है वो उससे अभिन्न होता है। उक्त गाथाओं का भाव आचार्य अमृतचंद्र
आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक भाव के से मिट्टी ही घड़े को करती है, और भाव भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। देखो अब व्यवहार से क्या कहेंगे, कुमार ने घड़ा बनाया और जिसने उस घड़े का उपयोग करके ठंडा पानी पिया ना, उसने भोगा। वो करने वाला अलग और भोगने वाला अलग, इसी में लिखा है। तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव किसे घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे व्यापार को करता हुआ कुमार घड़े का करता है, और घड़े के पानी के उपयोग से तृप्ति को भाव भावक भाव से अनुभव करता हुआ वही कुमार घड़े का भोगता है। ये तो भाग्य की बात है कि उन्होंने उसी कुमार को उस घड़े का पानी पिला दिया, नहीं वो पानी पीने वाला दूसरा भी हो सकता था, समझे ना। ऐसा लोक में अनादि से रूढ़ व्यवहार है। गाथा में तो सिर्फ इतना लिखा था व्यवहार है, अमृतचंद को संतोष नहीं हुआ तो लोग तो इसको सही समझ ठीक समझ लेंगे, व्यवहार है वो तो निभानी चाहिए कि अनादि से ऐसा ऐसी रूढ़ी चली आ रही, अनादि से रूढ़ व्यवहार है, ख्याल में है ना। उसको और हल्का किया है? जैसे अपने कहते रोजाना उठ के आए और बच्चे ने अपने पैर पड़े तो यार आपने बहुत अच्छे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, सुबह आकर के आपके पैर पड़ते हैं, हमारे बच्चे तो हमें नमस्ते तक नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारे तो 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है, धोक दूँ, क्यों बस हमारी वो चल रही है बस पीढ़ी। तो अनादि का रूढ़ व्यवहार बिना बिना से कुछ मतलब नहीं है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत विनयशील हैं, आज्ञाकारी हैं, सेवाभावी हैं, ऐसा मत समझना। आपको कैसे पता, अभी लाओ ये वो पैर पड़ने लगा ना कि भैया इधर आना, एक गिलास पानी लाना, ए पापा मुझे जल्दी जाना है, इतने नौकर हैं पानी उनसे नहीं ले सकते तो। क्यों बस पैर ठीक करा चला, बस पैर पड़ने लगा मुझे जाना है, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो व्यवहार कितने विनयशील हैं वो बच्चे, इसका पता तब चल जाएगा। वो तो एक ड्यूटी, उसमें क्या दम है। हमने एकदम ऐसे ट्रेंड हो गए और बस सुबह से शाम तक वैसी क्रिया निभा दी, उससे कुछ उसका कोई कुछ अर्थ नहीं होता है। अपने अपने यहाँ भारतीय परंपरा है ना, कोई पत्नी है पति कोई नमस्कार करती है, ये करती है वो करती है, जो भी अपनी है। और टीवी पे देखो, फिल्मों में देखो, और नाटक की स्टेज पे देखो, कितनी विनयशील कितनी सेवाभावी दिखती हैं कि नहीं है, कहीं दुनिया में ऐसी पत्नियाँ वहाँ कितनी मीठी मीठी बोलती हैं, ऐसी मीठी कोई बोलती हैं, झल्ला के नहीं बोले तो पत्नी नहीं, वहाँ बोलती हैं, नहीं बहुत अच्छा बोलती हैं दूसरों से, उसी वक्त दूसरा कोई आ जाता हाँ इतनी मीठी एकदम जबान मीठी हो जाएगी, आइए 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 ऐसा ऐसा वैसा करके बन गया, घर का आदमी होना बनवा कोई सेठ नहीं बनता एक मिनट में क्यों तो ये अनादि रूढ़ व्यवहार का अर्थ कर रहा हूँ। माने बिल्कुल एक टेक्निक हो गई है, उसके हिसाब से वो कह दिया है, उसमें कोई दम नहीं है। माने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहना ये अनादि का रूढ़ व्यवहार है, खत्म। जैसे अपन कहते हैं ना आपकी कृपा से हो गया, आपकी कृपा से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया है, क्यों मेरा मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तो आपके आशीर्वाद से, तो वो भी जानता कि ऐसे कहने की तरीका है, इसमें मेरा कुछ है नहीं और मेरे आशीर्वाद से कुछ होता नहीं है, है ना, नहीं तो लेन लगती, मेरे आशीर्वाद से कुछ होने लगता तो आशीर्वाद लेने वालों की लेन लग जाती कि नहीं लग जाती है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने तुझे कब आशीर्वाद दिया था और तूने कब लिया था, क्यों लिए दिया नहीं है। तो ऐसा रूढ़ व्यवहार है, वो तो एक कहने की भाषा है, वो यानी ये कहना चाहते हैं इसमें कोई दम नहीं है, मात्र कहने का व्यवहार है।